उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में प्रचार के आखिरी दिन भाजपा और सपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मैनपुरी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे नेताजी मुलायम सिंह यादव की बहू और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने जसवंत नगर में रोड शो किया और रोड शो के दौरान उन्होंने बार बार नेताजी का नाम लेकर जसवंत नगर की जनता के साथ अपना इमोशनल कनेक्शन जोड़ने की कोशिश की। पूरा मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र का साथ और समर्थन मिल रहा है और मैनपुरी की जनता जानती है कि जब से नेताजी यहाँ से सांसद चुने गए हैं तब से इस क्षेत्र ने विकास देखा है और लगातार विकास चाहते हैं यहाँ के लोग की देखे। और मैं समझती हूँ कि मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आप लोगों के चैनल के माध्यम से सभी मैनपुरी के इस क्षेत्र की जनता का जो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। कोई मुकाबला देख रही है मैम, भारतीय जनता पार्टी के 40-40 मंत्री यहाँ पे है, कोई मुकाबला आप देख रही है? प्रशासन का इस्तेमाल हो रहा है, आप लगातार बोल रहे हैं। मैं समझती हूँ कि जो जनता की समस्याएं हैं जो ग्राउंड में जो हम लोग देख रहे हैं हम समझ रहे हैं, जहाँ DAP की किल्लत है, जहाँ इतना युवा हमारा है गांव-गांव में जिनके पास नौकरी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है कि रोज़गार लग सके, जहाँ महिलाएं हमारी रसोई में जूझ रही हैं महंगाई से, जहाँ किसान पेट्रोल डीजल साथ में बिजली की भी मार झेल रहा है, तो मैं समझती हूँ जनता इन मुद्दों का सरकार को सामना करना चाहिए और उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि जनता परेशान है। चाचा ने आपका समर्थन किया तो उनके खिलाफ जांच की शुरुआत होने जा रही है, उनसे वापस ली गई है। जहाँ जहाँ सरकार के लोग देखते हैं कि कोई मजबूत विकल्प तैयार होता है किसी भी प्रदेश में, वहाँ वहाँ ये यही हथकंडे नपटाते हैं। डिंपल यादव के रोड शो में भारी भीड़ दिखाई दी। उन्होंने इस दौरान जसवंत नगर की जनता का अभिवादन भी स्वीकार किया और नेताजी की विरासत को बचाने के नाम पर उन्हें उपचुनाव में जिताने की अपील भी की। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भौगांव विधानसभा के अलीपुर खेड़ा गांव में सभा की। यहां पर उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि नेताजी जब पहली बार देश के रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने देश के लिए शहीद होने वाले सैनिकों के शव को उनके घर तक पहुंचाने का काम किया। नेताजी जब पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया। उस समय किसानों का हालत काफी दयनीय थी, लेकिन नेताजी ने किसानों के दर्द को समझा और उनके कर्ज को माफ किया। किसानों को पहले चुंगी देनी पड़ती थी, लेकिन नेताजी ने किसानों को चुंगी देने से मुक्त किया। उनका पार्थिव शरीर अगर गांव तक पहुंचाना हो उनके परिवार के बीच में तो सरकार के बजट का बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। पैसा कहां से आएगा, बजट नहीं है उतना। नेताजी जानते थे वो गांव गरीब आपके बीच से निकले थे, उन्होंने कहा कि बजट का कितना भी पैसा खर्च हो जाएगा लेकिन हमारा किसान का बेटा पूरे सम्मान के साथ घर पहुंचेगा, उसके गांव में उसका पार्थिव शरीर पहुंचा जाएगा। अरे वो पैसा किसी ने लिया था तो वो नेताजी जब रक्षा मंत्री बने थे तब उन्होंने फैसला लेकर के। अखिलेश यादव ने मैनपुरी प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा अगर किसी गाड़ी में सपा का झंडा लगा हो तो गाड़ी को रोककर उसकी चेकिंग की जाती है और अगर भाजपा का झंडा गाड़ी पर हो तो पुलिस हाथ देकर उस गाड़ी को रोकती तक नहीं है। प्रदेश में दोनों डिप्टी CM मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन योगी जी उनको मुख्यमंत्री कभी बनने नहीं देंगे। मैं दोनों डिप्टी CM को ऑफर दे रहा हूं, ले आओ 100 विधायक, हम समर्थन देंगे और खुद CM बन जाओ। मैनपुरी लोकसभा सीट की विरासत को बचाने के लिए न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि चाचा शिवपाल यादव भी सारे मनमुटाव भुलाकर डिंपल यादव की जीत के लिए जनता से अपील कर रहे हैं। कल तक मंच के ऊपर से भतीजे अखिलेश यादव के खिलाफ बगावती सुर बोलने वाले शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को छोटे नेताजी तक की पदवी दे दी है। उन्होंने डिंपल यादव की जीत का बड़ा दावा करते हुए कहा है अकेले जसवंत नगर से डिंपल 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मैनपुरी में हो रहा उपचुनाव प्रतिष्ठा की लड़ाई है। एक ओर समाजवादी पार्टी अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने की जोर आजमाइश में जुटी है तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी नेताजी के गढ़ को जीत लेने की कवायद में पूरी ताकत लगा रही है। यादव मतदाताओं के बहुलता वाले क्षेत्र जसवंत नगर में सपा को हमेशा उम्मीद से बेहतर परिणाम देखने को मिले हैं और अब जब खुद शिवपाल यादव भी डिंपल यादव की जीत के लिए भतीजे अखिलेश के साथ मंच साझा कर रहे हैं तो इसमें कोई दोराय नहीं है कि जसवंत नगर से इस बार भी परिणाम सपा के पक्ष में होंगे।
दूसरी तरफ भाजपा ने भी इस क्षेत्र में बढ़त बनाने के उद्देश्य से स्थानीय प्रत्याशी और नेताजी के शिष्य रघुराज सिंह शाक्या को डिंपल यादव के सामने मैदान में खड़ा कर दिया है, क्योंकि माना यही जाता है कि मैनपुरी की जीत की डगर जसवंत नगर से होकर गुजरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।